चलिए देखिए आगे, ये हमने जो स्टेटमेंट कहा था उसका फॉर्मुलेशन किया इस तरीके से, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को जब दोनों लॉ को कंबाइन करके लिखे तो ये आया, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो साथ में हमको एक कॉन्स्टेंट लेना होता है, ठीक है। वो कॉन्स्टेंट हमने क्या लिया?